हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग गाइस। सो आज का ब्लॉग जो होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि मैं जा रही हूँ गुज्जर महोत्सव में। मेला लगा हुआ है, आप सबको पता है मेला पहली बार लगा है गुज्जर महोत्सव का। जितने भी गुज्जर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं बस। तो पहले क्या था, पहले मैंने ना, मेरे को बहुत मन था जाने का, बहुत ज्यादा मन था कि मुझे जाना है जाना है जाना है। पहले मैंने अपने फ्रेंड्स से पूछा सबसे कि चलोगे चलोगे, तो सबने मना कर दिया। सबके अपने अपने पर्सनल रीजंस थे, सबने मना कर दिया। फिर मैंने गुंजन दीदी को बोला कि आप चल लो, तो फिर गुंजन दीदी का भी नहीं हो पाया आने का। फिर आज सुबह सुबह जब मैं घर से, मतलब सुबह सुबह सो के उठी, मैंने अपना व्हाट्सएप खोला तो पापा ने ना स्टेटस डाले हुए थे बहुत सारे। तो मैंने सोचा यार ये लास्ट ऑप्शन तेरा यही है कि पापा को पूछ ले, पापा ही ले जा सकते हैं, अब ले जाएंगे तो। तो फिर मैंने पापा को मैसेज किया कि पापा आप मुझे लेके चलो, तो पापा ने कहा ठीक है चलते हैं आ जा। तो फिर मैं निकल ही रही थी घर से, तो पापा का फोन आया कि काजल घर पे ही आ जा, क्योंकि सब जा रहे हैं, मम्मी भी जा रही हैं, चाची वगैरह भी जा रही हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं घर ही आ जाती हूँ। हम घर आ गई मैं, और बस अब हम निकल रहे हैं, और वहां से फिर मतलब पहुंच के आप लोगों से मिलते हैं वहां, और फिर मैं सारी चीजें दिखाती हूँ कि क्या क्या है। पहली बार हो रहा है तो मुझे भी नहीं पता इतना कि क्या 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 चीजें हैं, लेकिन वहां सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे लोग गुजर ही मिलेंगे, और सारी जो गुजर का पूरा कल्चर है इतिहास से लेके अब तक का, वो सब हमें देखने को मिलेगा। तो मैं वो सारी चीजें कैप्चर करूंगी और आप लोगों से भी शेयर करूंगी, तो मेरे व्लॉग में लास्ट तक जरूर बने रहना। गाइज हम लोग निकल चुके हैं, और हम ज्योति को बहुत मिस करेंगे, क्योंकि ज्योति का आज एग्जाम है और वो जा नहीं रही है, और माही भी जा रही है, उसका भी एग्जाम था। और पापा क्या कहना चाहोगे गुजर समाज के बारे में? आज हम सूरजकुंड गुजर महोत्सव में जा रहे हैं, जो आजादी के बाद से पहला होने जा रहा है। आजादी से पहले हुआ हो तो हमें मालूम नहीं। गुजर समाज जिंदाबाद, गुजर एकता जिंदाबाद। और चाची ये, और साहिल, और आगे जाके हम बुआ को पिक करेंगे। मामा पास नहीं बैठने तेरे को, तैयार कर लेगी तुम। हम लोगों को निकले हुए बहुत देर हो गई, और इतनी ज्यादा ट्रैफिक है आज, इतना ज्यादा ट्रैफिक है, ऐसा लग रहा है सब लोग वहीं जा रहे हैं शायद। अब कुशांक ब्लॉगिंग करेगा। साहिल भाई आप याद हो, तेरा मुंह आ रहा है, कैमरा घुमा ले। करो आप ब्लॉगिंग करो, बोलो कुछ। हेलो गाइस, इसमें बोलो हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे क्या पता। हेलो गुजर, सारे मेरे गुजर भाई लोगों को उल्लू बनाया है क्या? गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, कर रहे हैं एंट्री। दिखा तो दिया, स्टार्टिंग हो गई है यहाँ से, और देख सकते हो कितनी भीड़ है। और गाइस यहीं पे इनकी तैयारी शुरू हो गई है कि हम यहीं पे फोटोज खींच लेते हैं। अंदर तो चले जाओ। गाइस हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। मम्मी एक्साइटेड हो? और मम्मी बुआ और चाची तो फर्स्ट टाइम ऐसे आई है, मतलब किसी ऐसे मेले वेले में, तो ये लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। मतलब पुराने टाइम पे जो मेले देखते नहीं भाई, जो पुराने टाइम पे मेले लगते थे वो तो तुमने घूमे ही है। शादी के बाद तो तुम शायद अभी आ रही हो मेले टाइप की। ओ माई गॉड, ओके ओके।
सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डीजे चल रहा था, यहाँ पे सारे लोग डांस वांस कर रहे थे, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था डांस करने का, डीजे लगाया हुआ था। और यहाँ पे जो लेडीज आई हुई थी उन्होंने घाघरे और ओने ये सब पहना हुआ था, पुरानी चीज़ें मोहर वगैरह पहनी हुई थी, पुराना जैसे पुराने टाइम में हमारे लेडीज पहनती थी गुजर, वही सब इन्होंने यहाँ पहना हुआ था। सारी हैंडमेड चीज़ें बनी हुई थी, ये बॉटल्स है ना वो बनाया हुआ था इनके ऊपर रिबन वगैरह। बात से इतना मुकर गए तुम तो। आगे क्या होता है, कैसे बोल मारे हो छोटू भाई बेटी है, इनकी बेटी पायलट बनी है, जोरदार तालियां, पायलट बनी है इनकी बेटी, देखिए राजस्थान में वॉलंटियर्स टीम जो है।
अच्छे लगे ये? नहीं नहीं, डायमंड है। धन्यवाद धर्मेंद्र भगत जी, समय सिंह कसाना जी। हेलो भाई, हमारे बीच में मैं बहन जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टर जनरल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, आईटी विभाग में हैं, और इतने क्राउड को देखकर वो इतनी गदगद है कि वो रास्ते चारों तरफ से नहीं मिल रहे थे, लेकिन फिर भी जद्दोजहद के साथ दिवाकर भिदोड़ी जी ने रास्ता दिया और वो हमारे साथ मंच पर है। अच्छा कर्नल बैसला, आई दिन दो लड़कियों को देख लेते हार थक के बैठ गई है, थक के और देख लो हम कहाँ खड़े हमारे बीच भाई हरेंद्र नागर हैं, जो कहाँ खड़े कुर्सी पे भाई हरेंद्र नागर जी, भाई गाइस मेरा ब्लॉग भी चेक करना, बादल जी का नया बनाओ ना सारे। दो घंटे से दिमाग खराब कर रखा है तुमने। ओह माय गॉड, ये तो हमने देखी नहीं। दो मंजिला चार भाई, अच्छा चरखा और क्या दिखाना है? चलो चलाओ, मैं भी चलाऊंगी फिर। ये तो पावर रेंजर है मेरे। थोड़ा सा कम हो। आप तो इसमें खिंचवा के जाएंगे। व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं। भाई मिल गए मेरे। व्लॉगिंग करी हाय करो। गाइस देखो ये बहुत से बनाई पेंटिंग्स हैं सारी। कितनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स हैं। ये
ये जो मोस्टली पेंटिंग्स है ना, ये मैंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ी हुई हैं, तो ये वही वाली पेंटिंग्स हैं सारी। हुआ कि रिश्तेदार मिल गए। यहाँ सबके रिश्तेदार मिल रहे हैं। मेरे तो कुछ भी नहीं है, मेरे सो गाइज हम लोग पहुंच गए घर, काफी लेट पहुंचे थे। आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा, और बहुत अच्छा मेला लगा हुआ था। ये फर्स्ट टाइम हुआ था गुर्जर महोत्सव मेला, और जिसने भी अभी तक मतलब जिसने भी मिस कर दिया, जो भी नहीं पहुंच पाए, अगर अगले साल लगेगा तो अगले साल आप लोग जरूर जाना। बहुत अच्छा मेला था, बहुत अच्छा लगा वहां जाके, मेरा बहुत मन था जाने का, और फाइनली मैं वहां चली गई थी। तो सो गाइस हमारी सारी गुजरों की ना संस्कृति वहां देखने को मिली थी, पूरा इतिहास संस्कृति हमारी जो भी थी, जो भी है, थी नहीं जो भी है, वो हमें देखने को वहां मिली थी। बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारे रिलेटिव्स भी मिले, और बहुत सारे जानने वाले लोग भी मिले, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मतलब मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू पहचान लिया था कि आप तो मेकअप आर्टिस्ट काजल हैं, ऐसे करके। तो बस जिन लोगों ने मुझे पहचान लिया था उनको थैंक यू, और इस ब्लॉग को देखना, एंजॉय करना। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो इस ब्लॉग को लाइक शेयर भी कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको गुर्जर संस्कृति कैसी लगी, और कौन कौन इस मेले में वहां पहुंचा था लेकिन हम मिल नहीं पाए। ठीक है, इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। बाय।